से आप लोग आए हो, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, उसमें मैं करने वाली हूँ प्रैंक अपने ही फ्रेंड पे यार। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा फ्रेंड है ना यार, वो स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। आई मीन मैं उसका क्रश थी। तो यार वो ना आज के टाइम में मेरे को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा यार उस पर प्रैंक कर देती हूँ यार मैं। तो उससे पूछ रही हूँ मैं फ़ोन करके कि वो कहाँ है, उसको मिलने बुलाना चाहती हूँ। पता नहीं वो आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैंक स्टार से ना बहुत डरता है और हर बार यही बोलता है कि मुझे डर लगता है तू प्रैंक व्रैंक करती रहती है, कहीं मुझ पर ना कर दे। तो यार उसे कन्वेंस करती हूँ मिलने के लिए, हो सकता है वो आ जाए, बट नॉट श्योर। वरना क्या होगा, कंटेंट चेंज करके दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं नोएडा। यार मेरे को ना तुमसे मिलना है। यार मैं नहीं आ सकता, सीपी आप प्रैंक करते रहते हो, कहीं मेरा ही काट रहे हो आप। नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पक्का प्रॉमिस मैं तुम्हारा नहीं काटूंगी, लेकिन तुम मिलने आ जाओ एक बार। नहीं यार मैं कुछ काम में बिजी हूँ अभी। यार अगर तुम नहीं आए ना, जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना मतलब तुम हमेशा से जिसके सपने देखते थे ना, शायद वो सपने आज पूरे हो जाएंगे। चलो मैं कल आता हूँ आपसे मिलने। कल वल नहीं आना, मुझे आज ही चाहिए तुम, और यही चाहिए। गेट नंबर 7 की पार्किंग में हूँ मैं। अगर तुम नहीं आए ना तो कसम दारी दोस्ती भाईचारा सब खत्म। चलो ठीक है मैं आता हूँ। चलो ठीक, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके बाय। तो यार बंदा आने के लिए तैयार हो गया। यार बात यह है वो ना बहुत ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से, क्योंकि उस पर प्रैंक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारी सीपी में प्रैंक सारे घूमते रहते हैं, तो अब किसका कट जाए कुछ नहीं कह सकते। और यार ये भी सच्चे प्रैंक वाले सगे तो होते नहीं है किसी के। तो यार आज उस पर ही प्रैंक करते हैं, मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा वेटिंग टाइम चलता है, वेट करते हैं बंदे का और देखते क्या होता है वीडियो में। तो यार वेट कर रही हूँ कब से, और मतलब सच बता रही हूँ वेट कर करके काली हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक बंदे का फ़ोन मैसेज नहीं आया। तो चलो कुछ सेल्फीज हो जाए, मूड ख़राब हो रहा अब तो। लग रहा है मुझे यार एक वीडियो का कंटेंट ही चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ना प्रैंक करने में इतना दिमाग खराब होता है ना, क्या बताऊं मैं। अब आ रहा है, चले काम कर रही हूँ फटाफट, कैमरा ही लगा। तो यार फोन आ चुका है, इतनी देर वेट करने के बाद सेल्फी ले ली है, फिर भी फोन मुश्किलों से आया है, उठा रहे हैं। हेलो, कहाँ हो? गेट नंबर 7 की पार्किंग में ही हूँ, तुम्हारा वेट कर करके मतलब मैं क्या बताऊँ, बस चल बसी हूँ एक तरीके से। ये देखो मेरे सामने ही हो तुम बिल्कुल, वो देखो इधर 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 इधर, हाँ ग्रीन पेन है, यहाँ बैठे हो। बहुत मुश्किलों से बंदा आया है, तो यार कैमरे को थोड़ा हाइट कर लेना, मरवा मत देना, क्योंकि उसको पहले प्रैंक स्टार से डर लगता है यार, उसको लगता है कि प्रैंक उसका बहुत कटने वाला है। आगे आगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि हर किसी को आजकल फास्ट पैसे कमाना पसंद है यार, तो मैं भी फास्ट पैसे कमा रही हूँ बायनानी साइट से। ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है 2020 का, और मेरे दोस्त भी इससे काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं। एक बार मैं भी आपको रियल अकाउंट से अपने खेल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप पैसे जीत सकते हो। तो गाइस चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं फुल श्योर हूँ कि आज मैं पक्का जीत जाऊँगी। तो मैं बेट करूँगी 15,000 रुपये। तो ये ऊपर जा रहा है जा रहा है, यस। तो गाइस 23,000 रुपये मैं जीत चुकी हूँ। देखो यार कितना कूल है यार, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और गाइस इसमें जीते हुए पैसे आप इमिडिएटली अपने पेटीएम अकाउंट या बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत सेफ और सिक्योर है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कितने कम समय में मैंने कितने अच्छे पैसे कमा लिए। तो इतने के यार ऑफिस वर्कर एक हफ्ते में भी नहीं कमाता होगा। तो चलो यार मैं तो यार जीते हुए पैसे से अपना शॉपिंग करूँगी। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, स्टार्ट करो पैसे कमाना। और गाइज इसमें मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपये, पर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिफिल करके रखो। जितना आप ज़्यादा रिफिल करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। और बिल्कुल एक बात ना भूलना, ज़्यादा पैसे आएंगे तो यार आपके पेटीएम वॉलेट में भी बहुत सारे पैसे देखने को मिल जाएंगे, और वो भी एक सिंगल क्लिप में बिल्कुल फास्ट और ईजी तरीके से। तो देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे गए, इसको चेकआउट करो बायनानी साइट को और बहुत सारे पैसे कमाओ। कैसे हो तुम? बढ़िया
और क्या चल रहा है? अर्जेंट काम हो गया सर। बैठो तो सही, बैठ के बात करेंगे ना। कुछ खिलाना पिलाना नहीं है क्या? खिलाओ, क्या खाओगी बताओ। मैं खिलाऊं? खा लो ना, क्या खाओगे यार? बढ़िया, अर्जेंट बुला रहा हूं यार, बहुत जरूरी। अरे यार सॉरी यार, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। बात यह है कि अरुण क्या काम था वैसे? तो प्रैंक, अभी बात शुरू नहीं, पहले प्रैंक का नाम दे दिया। कौन सा प्रैंक, कैसा प्रैंक? प्रैंक तो मेरे रग रग में ही नहीं है, मैं प्रैंक के लिए बनी नहीं हूँ। बताओ अर्जेंट क्या काम हो गया यार? यार वो कुछ जरूरी बात करनी थी ना, वो बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे हम लोग मिलने का, तो फिर मैंने कहा चल मिल ही लेते हैं, और तुम भी बहुत दिनों से फोर्स कर रहे थे, चल मिल लिए। वो अरुण मेरे को ना शिखा बता रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार में डूब रखे हो आजकल, प्यार में डूब रखे हो बहुत ज़्यादा। कुछ तो बोलो, आंखों में देख के मैं समझ थोड़ा जाऊंगी हर चीज। यार चीज़ ऐसी है, बताया शिखा ने, बताई दिया होगा तुम्हें सब। शिखा ने सब बता दिया अरुण, पता है मैंने भी तुम्हें इसीलिए उसी बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो। अच्छा, देखो यार मुझे पता है स्कूल लाइफ में मतलब मैं तुम्हारा क्रश हूँ, क्रश थी, और ये कॉलेज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा तुम सीरियस थे मेरे को लेके, बट मैंने तुम्हें आज तक हाँ नहीं बोला है ना, तो मुझे बुरा लगता है वो चीज़ें भी यार। ठीक है, वो एक बंदर सा बॉयफ्रेंड बन गया था मेरा, चल ठीक है मैंने उसको भगा दिया, ठीक है। और अभी ये वाला ये लास्ट जो था वो थोड़ा सीरियस हो गया था, और तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो उसको लेके ना फिर मैंने सोचा ही नहीं आगे रिलेशनशिप के बारे में कभी। तुम्हें तो क्या ही बताऊँ मैं, सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है। एक ना बंदा एक स्टेज ऐसी आ जाती है, बंदा ना बहुत ज़्यादा डर जाता है इन चीज़ों से ना, और सोचता है कि नहीं यार फ्यूचर और मम्मी पापा को देख लो, ये सब कुछ नहीं है। अब आज के टाइम में मेरी सोच ऐसी हो गई है, लेकिन मैं ना थोड़ा ना उसको चेंज करने की सोची। बॉयफ्रेंड था है मतलब यश, यश चौधरी? नहीं यार पागल हो, कैसी बात कर रहे हो यश तुम? सुना था। नहीं यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं है, मैंने उसे आज तक हाँ का बोला। तुमने वीडियो नहीं देखी क्या? देखी थी मैंने वीडियो, फिर भी मैं सुनने में आया था कि कुछ ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, मैं चलो कोई नहीं लड़की सही है। नहीं यार पता है हमेशा ना उसकी तरफ जाना चाहिए, तो तुमसे प्यार करता है उसकी तरफ नहीं जिससे हम करते हैं। तो और तुम तो कब से 12 साल से बोल रहा था यार, और तुम तो 12 साल से मतलब चाह रहे थे कि हम लोग एक हो जाए, बात कर ले, तो आज इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। यार अरुण मैं सोच रही थी कि ना तुम्हारा जो बहुत 12 साल वाला प्रपोजल था ना वो आज एक्सेप्ट कर लूँ। चलो 12 साल की मेहनत ना रंग लाएगी आज काफी टाइम बाद। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं मजाक कर रही हूँ? पता नहीं तुम्हें बता, रेस तो है देखो, अगर मजाक नहीं कर रही हो तो इसलिए बुलाया ही है। तो वही है कि मतलब स्कूल लाइफ में भी अच्छे लगते थे तुम, बट ठीक है अब नहीं कर पाई, कॉलेज लाइफ में भी ऐसे निकल के 12 साल पता ही नहीं चला। बट यार दोस्ती देखो अभी तक हम रिलेशनशिप में होते ना तो दोस्ती ना चल पाती, कायम ना रहती, और अब देखो अभी तक हम 12 साल से साथ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रिलेशनशिप में नहीं है। तो सोच तो मेरी अच्छी है यार, क्या कर सकते हैं। बट ठीक है मैंने वो चेंज कर लिया अपनी थिंकिंग थोड़ी सी, तो मैं सोच रही थी कि यार हम लोग आगे 12 साल बाद काफी टाइम लगा दिया तुमने अभी। प्रैंक तो नहीं कर रही है, बता दो यार। एरिक आया नहीं आज छुट्टी पे, एरिक देख लो कोई कैमरा वैमरा भी। तो फिर क्या विचार है तुम्हारा? यार मैं तो 12 साल से वेट कर रहा था, आज तुमने खुद ही बोल दिया, अब क्या ही बताऊं यार, मुझे तो शर्म आ रही है यार। मैं कैसे बोलूँ यार, अच्छा लग रहा है मतलब, ठीक है मुझे रियलाइज हुई चीजें 12 साल बाद। 12 साल इतना लाइक कर रहा था, मैं बोला भी बता भी नहीं पाया दोस्तों को बोला, पर वही है मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई नहीं। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? कर दो फिर प्रपोज खड़े होके, लड़की भी आके बोल रही है। अब वो हो गया ना कि मेरे ना सब्र का फल टूट चुका है, मैंने कहा यार अरुण को बोल ही देती हूँ कि मतलब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बात बात करते हैं, जिंदगी जिएगी साथ मिलके, तुम भी अच्छा कमा रहे हो मैं भी कमाऊंगी, तो दोनों मिलके एक अच्छी जिंदगी जिएगी यार। मैं तो यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर से दूर रह के मैं सोच रही थी हम डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। हो जाएगा शादी को थोड़ा टाइम तो दें, एक बार टाइम स्पेंड तो करें। कैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हो? वहाँ तो नहीं जाना चाहते ना? अरे नहीं वहाँ नहीं जाना है। देखो दोस्त है अभी। अगर एक बात तो वहाँ जाना होता तो 12 साल से मैं क्यों इतना वेट कर रहा हूँ? हाँ वही तो रीजन है ना तुम्हें मैंने आज यहाँ किया, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी कभी भी, वरना आज के टाइम में तो तुम्हें पता है क्या चल रहा है कि एक जा पे वहीं पे जाके सब खत्म। क्योंकि मैं देखो हमेशा तुम्हें ही तुम्हारे पीछे लगा रहा, किसी और को मैंने दिया भी नहीं, ना मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया ना किसी और को, मैंने कहा चलो ठीक यार ये नहीं है तो कोई और भी नहीं छोड़ो। तो 12 साल तुमने कैसे निकाल दिया लड़की के बिना, मजा आया? जिंदगी कैसी चली तुम्हारी लड़की के बिना? हर
हर मतलब नीड्स होती है ना सबकी, समझ रहे हो ना? नीड्स तो होती, नीड्स तो हो भी जाती है पूरी, लेकिन एक वही है ना कि प्यार, जब प्यार तुमसे ही था तो मैंने कहा छोड़ो नहीं है तो। तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है? आज ऐसा तो नहीं लग रहा ना, मैं अपना काम जो तुम पर्सनल छोड़ के आए हो, मतलब आके तुमने यहाँ टाइम बर्बाद कर दिया। अच्छा काम हो गया ना, वो तो हो जाएगा भी जाके। तो फिर क्या इरादा है, कहाँ चलना है? डेट पे चले, कहाँ लेके जाओगे? अच्छी जगह जाऊंगी, ऐसी वैसी जगह नहीं जाऊंगी। प्लेस बताओ कहाँ चलना है, जहाँ तुम बोलो वही चल लेंगे। तुम्हारा बताओ ना फेवरेट। अब तो मतलब जब मैं तुम्हें ही सौंप रही हूँ, जब रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया, हर चीज एक्सेप्ट कर ली, तो जहाँ तुम बोलोगे वही चल लूंगी ना। चले फिर, तुम ये नहीं चाह रहे कि पब्लिकली तुम मुझे प्रपोज कर दो, मैं एक्सेप्ट कर लूं तुम्हें? वैसे तो कर लिया है, बट और थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चलो फिर नीचे बैठो, ले आना पड़ेगा गुलाब। नहीं वैसे बोल दो तुम, शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोज कर दो ना, फिर मैं हाँ कर दूंगी ना। होने लगा हूँ, होने लगा सुनो हाँ। हक करने से पहले बात तो सुन लो, बताओ क्या अच्छा हो गया, लगा क्या मुझे हो तुम्हारी फीलिंग्स तुमने एक्सप्रेस की, और मतलब मैंने भी बताया कि ठीक है। पर पता है क्या है यार, अरुण ना पूरे परिवार में, पारिवारिक है ना मेरा इतना बड़ा, जिसमें सिर्फ एक अरुण ही रह गया था जिसपे प्रैंक नहीं हो रहा था। एक अरुण रह गया था, तो मैंने सोचा उस पर भी प्रैंक कर दूं। इधर तो आओ, कहाँ जा रहे हो? वो कैमरा लगाया ना मेरे पीछे, सीधा मेरे पीछे कैमरा लगा। 12 साल बाद ही मैं ही मिला तुम्हें प्रैंक करने को। यार 12 साल हो गए ना, 4 महीने में चैनल बनाए, तुम रह गए थे ना प्रैंक करने को, सब कर दिए, माँ बहन भाई ये वो। मैं कितना खुश हो गया था तुमने बताया। कोई नहीं यार, अगले जन्म में ना देखो, मैं तुम्हारी ना फीलिंग्स की कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारे प्यार की इज्जत भी करती हूँ, लेकिन होता है ना एक बंदा डरा हुआ होता है, तो मेरी अभी वो वाली स्टेज चल रही है डर वाली, तो जब मैं इस डर से बाहर आ जाऊंगी ना, तो पक्का मैं रिलेशनशिप की सोचूंगी, पक्का। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इसी मेरे डर की वजह से तो कितने लड़के मर गए हैं। अच्छा सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ, इधर तो एक बार तो सुनो, बुरा मत मानो ना यार, तुम ऐसे नाराज होके जाओगे ना, मेरा प्रैंक फेल हो जाएगा। अरे कोई नहीं, जल्दी कैमरे में हाय तो कर दो, मैं कुछ खिलाने चलूंगा तुम्हें। अरे सुनो ना, हयात चले गए, हयात इधर, इधर तो सुनो, इधर तो आओ। तो गाइस देखा आप लोगों ने यार, थोड़ा ना दोस्ती में ना यार वो हो गया, थोड़ा मैं मनाऊंगी बंदे को, जाके भाग गया बंदा, मैं पीछे जा रही हूँ मना दे। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेरा इस वीडियो से यार किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन यार वही है ना, प्रैंक करने वाले किसी के सगे नहीं होते हैं, तो मतलब छोटा सा प्रैंक वही रह गया था, कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल।